Bokelicious. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज दुशान केदार और फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो पे। और आपको पीछे का सीक्वेंस देखा होगा तो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और इस वीडियो को एक लाइक भी दे देना। तो आई नो काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो आ रही है। थोड़ा शॉर्ट्स एंड ऑर्डर्स में बिजी हो गया था तो इसके लिए टाइम ही नहीं मिला। तो खैर अभी मैंने कुछ कंप्लीट कर लिए और कुछ पोस्टपोन कर दिए, तो क्यों ना अभी मैं कुछ नया वीडियो बना दूँ। ओके, तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो यस आई बॉट अ न्यू लेंस 50mm 1.8 विच इज़ अ प्राइम लेंस, फोकल लेंथ फिक्स एंड अपर्चर इट्स अप टू 1.8। ओके, थोड़ा कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया, कोई नहीं, मैं आपको इजीली समझा दूंगा अभी, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके ओके, सो बेसिकली कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला फोकल लेंथ और दूसरा अपर्चर। सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज समथिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा टू द ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज चेंजेस। अभी जैसा एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक टेलीफोटो लेंस है, ये 55 to 250mm का लेंस है। अब ये शुरुआत 55 से होता है और जूम होते 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 ये 250mm तक चला जाता है, तो इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। लेकिन इन केस, आई मीन इन द केस ऑफ दिस 50mm, इसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वॉज द, मैं इससे लेमन टर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अभी दूसरे पे आते हैं, व्हाट इज़ एपर्चर? एपर्चर क्या होता है, जो लेंस के अंदर जो ब्लेड होता है उसको बोलते हैं एपर्चर। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा। आई मीन जितना लाइट अंदर आएगा उतना अच्छा फोटोज आएगा और उतना बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी जो मेरा किट लेंस है 55mm to 250mm, इसमें अपर्चर जाता है 4 to 5.6। मैं आप एक चार्ट लगा दूंगा, आपको मालूम पड़ेगा जितना अपर्चर वाइड ओपन होगा ना उतना लाइट ज़्यादा अंदर आएगा और ज़्यादा बोके मिलेगा। बोके मीन्स ब्लर, जो आपको लाइट जो सर्कल्स में दिखता है ना पीछे, उसको बोलते हैं बोके। तो इसमें जो है बोके इतना नहीं मिलता क्योंकि इसमें जो है 4 to 5.6 में जाता है। जैसे जैसे जूम करेंगे वैसे वैसे अपर्चर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैं 1.8 पे सेट कर दिया तो काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है और काफ़ी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो इसका अपर्चर चेंज कर सकते हैं 1.8, 2.8, जैसा लाइटिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इतना ही लेमन टर्म में था, मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी डाल दूंगा और इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको किट लेंस और प्राइम लेंस का बीच में फ़र्क समझ में आए और कुछ सैम्पल्स भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाए कि दोनों लेंस में फ़र्क क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो टेक्निकलिटीज़ थे आपको कुछ हद तक समझ आए रहेंगे। कोई नहीं, आप जब धीरे धीरे ये फील्ड में पर्टिकुलरली आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते, इस लेंस के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, लाइक मैंने कैसे इसको बाय किया। लाइक 3-4 महीने पहले, मुझे लेंस पहले तो बाय करना ही था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी किट लेंसेज थे। लेकिन किट लेंस एक लिमिटेशन भी पैदा करते हैं कि इसके ऊपर आप वो टाइप के फोटोज़ नहीं खींच पाओगे। तो लाइक जो लेंस का जो सोन सा अमाउंट था उतना तो मैंने जमा कर लिया। तो जैसे मैं ख़रीदने वाला था तो लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने के बाद फिर क्या करूँ मैं, फिर कहाँ से आएगा लेंस, फिर सब ऐसे थॉट्स आने लग गए। एंड देन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ोन किया तो वो जो लेंस का प्राइस था, सो प्राइस था, उससे 5 to 6,000 एक्स्ट्रा बोल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो बंद हो गया था। तो उसमें भी और एक महीना चला गया मेरा और फिर से लॉकडाउन लग गया। तो ऐसे करके मेरे हाथ के ऑर्डर्स भी निकलने लग गए। एंड देन जब मैंने पूरा बोलते ना धैर्य निष्ठा करके पूरा एकदम सोच लिया कि अब तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे तूफान आए आंधी आए, अब तो खरीदना है लेंस। और तब तक प्राइस भी कम हो चुका था, तो पता नहीं भगवान ने मेरे कैसे सुन ली कि सचमुच में आंधी और तूफान आ गया। और ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बारिश, इतना तूफान, आपको पता है पिछले महीने कितना तबाही मचा के चला गया। तो उसकी वजह से भी एक दो हफ्ते तक का डिले हुआ। और फिर मैंने वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मैंने उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आई वांट टू बाय दैट। तो मैंने उतना पैसा उनको ट्रांसफ़र किया एंड देन वहाँ से मैंने परचेज़ किया। पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं किया ये। एंड देन उसके अगले दिन ही मुझे मिल गया अपना लेंस। एंड यस, अभी बहुत लंबा सफ़र है इसके साथ और इसके जैसे और भी लेंस आने वाले हैं। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना
और बस शेयर करो, सपोर्ट करो. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.